नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। गंज बसौदा मिर्जापुर वाली मस्जिद में एक परिवार के रुकने की खबर से पूरा प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया है और देखते ही देखते संपूर्ण नगर में दूध और मेडिकल की दुकानों को छोड़ करके सभी दुकानों पर लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। मिर्जापुर स्थित मस्जिद एवं आसपास का पूरा क्षेत्र सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं एडिशनल एसपी बिजेश बंजारी कलेक्टर वृंदावन वर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि संक्रमित मरीज जिस परिवार में रुका था या वो परिवार जिस तरह संपर्क में आए थे, सबके सैंपल लेकर के जांच की जाएगी और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। किराना, सब्जी, पेट्रोल पंप भी आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। अगर कोई संदिग्ध मरीज पाया जाता है तो उसे स्थानीय तोमर गार्डन में रखा जाएगा, जिसे अभी प्रशासनिक तौर पर आइसोलेटेड वार्ड के रूप में उपयोग किया जा रहा है। कुछ दिन पूर्व उदयपुर में भी कुछ जमात से लोग ठहरे हुए वापस आए थे और होम क्वारंटाइन किया गया था। उनके सैंपल क्यों नहीं लिए गए या फिर जब वो जमात से लौटे यह स्पष्ट है तो उन्हें क्या अलग क्वारंटाइन नहीं किया जा सकता था, ये सब तो प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी ही जानते होंगे। लेकिन अगर सतर्कता प्रशासन द्वारा नहीं बरती गई तो वो दिन दूर नहीं जब गंज बसौदा नगर में भी संक्रमित मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। सस्पेक्टेड सैंपल जिसका लेते हैं वो सस्पेक्टेड ही होता है, सैंपल लिए जा रहे हैं। अब वो वहाँ से जब पॉजिटिव होगा वो तो केमिकल जांच में एनालिसिस में पता चलता है, हम लोग नहीं कह सकते। और सस्पेक्टेड हम उसको मानते हैं जिसका हमने सैंपल ले लिया। हम लोगों के बाद पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य बीमारी है, ये भी सामान्य बीमारी है। इसमें सिर्फ केवल इतना है कि वो दूसरा व्यक्ति कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो उसको होने की संभावनाएं सर्वाधिक होती हैं। तो हम चाह रहे हैं कि संक्रमण दूसरों को ना फैले, इसलिए लॉकडाउन या कर्फ्यू जितनी भी चीज़ें की जा रही हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए की जा रही हैं। और हम नहीं चाहते कि ये फैले, और अगर फैलता है तो हम ट्रीटमेंट के लिए तैयार हैं।